चलिए बनाते हैं गणपति स्पेशल रवा लड्डू, बिना झंझट, बिना चाशनी, सिर्फ 15 से 20 मिनट में। और इसका जो टेस्ट और टेक्सचर है आएगा बहुत ही सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग। तो अगर आप पहली बार भी अगर ये रेसिपी बना रहे हैं ना, तो बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 1.5 कप सूजी, तो थोड़ी सी मोटी वाली सूजी, और यहाँ पे मुंबई में बॉम्बे रवा के नाम से मिलती है, तो मैं वो वाली यूज़ कर रही हूँ। आप फाइन वैरायटी की भी यूज़ कर सकते हैं। और वजन से अगर आप देखेंगे तो ये है करीबन 200 ग्राम। तो अब एक मोटे तले बर्तन में मैं गरम कर रही हूँ 2 टेबलस्पून घी अभी के लिए, और इसमें हम रोस्ट करेंगे यानी कि फ्राई करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़े से काजू और बादाम, और इनको फ्राई करेंगे करीबन 1 से 2 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फ्राई करने से क्या होता है ना, इसका टेस्ट बढ़ जाता है, रिचनेस और जो क्रंच होता है वो बहुत अच्छा लगता है लड्डू में। ये देखिए हल्के से गोल्डन ब्राउन होने लगे, तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि अब हम इसमें डालने वाले पिस्ता, और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी किशमिश। इन दोनों ड्राई फ्रूट्स को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता, इसलिए इसको गैस का फ्लेम ऑफ करके ही डालिएगा। और किशमिश भी देखिए आप कितनी जल्दी से फूल जाएगी, तो इसको जलाना बिल्कुल नहीं है। इनको निकाल देंगे साइड में, और अब इसी पैन में हम लेंगे 1 टेबलस्पून और घी, और इसमें मैं डाल दूंगी ये सूजी, और इसको रोस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ पे आता है कि इसको अच्छे तरह से भूनना है, बहुत ही पेशेंस से और आराम से लोएस्ट फ्लेम पे इसको भूनना है करीबन 8 से 9 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन ना होना स्टार्ट हो जाए। तो जैसे जैसे फ्रेंड्स आप भूनेंगे ना, आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि इसका कलर हल्का हल्का बदलने लगा है, थोड़ी सी फ्लफ़ी हो गई है और क्रंची भी हो गई। मतलब पास से अगर आप सुनेंगे ना, तो क्रंची क्रंची सा टेक्सचर आता है। सूजी जब अच्छे से भून जाती है घी में ना, तो थोड़ी सी आवाज़ करने लगती है, मतलब कि सूजी अच्छे से भून रही है और फूल रही है। और दूसरा फायदा ये है इसको अच्छे से भूनने का, कि जितना अच्छे से अगर आप भूनेंगे तो ये ज़्यादा समय तक ही आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो करीबन 8 मिनट के लिए इसको मैंने भून लिया है। ये देखिए हल्का सा कलर डार्क होने लगा है, और इसका दाना दाना अलग अलग दिख रहा है, कच्चापन बिल्कुल भी नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी है, और हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी है मेरे घर पे इस वक्त। तो बस इस वक्त सूजी जो है ना अच्छे से भून गई है, इसको अभी हमें बस डार्क करना है। मान लीजिए अगर आपको इस कलर के लड्डू बनाने हैं तो यहाँ पे आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हल्का सा और कलर दे रही हूँ, जैसे कि लाइट ब्राउन सा होता है ना, बिल्कुल वैसा। तो फ्रेंड्स जब इस स्टेज में आप आ जाएंगे ना, तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब जलने का डर है, क्योंकि जैसे जैसे आप उसको भूनते जाएंगे इसका कलर जल्दी जल्दी बदलता जाएगा। तो जिस स्टेज में आपको चाहिए आप उसको आगे प्रोसेस कर दीजिएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ये कलर चाहिए लड्डू का, तो इस स्टेज में मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप भर के डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नारियल का बुरादा सबको ईजिली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और इसको अब हम इस स्टेज में इसलिए डाल रहे हैं, सूजी के साथ हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी ड्राई फॉर्म में इसको भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, और इसका ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है सूजी के साथ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो मैंने यहाँ पे टोटल यूज़ की है सूजी 1.5 कप, और 1 कप मैंने यूज़ किया है डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहें तो दोनों की इक्वल क्वान्टिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको नारियल ज़्यादा पसंद है। तो इसको भी भूनते जाएंगे लगातार। ये देखिए थोड़ा सा कलर और डार्क होने लगा है, इसको जलाना बिल्कुल नहीं है। बस इस स्टेज पे अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 कप पाउडर्ड शुगर। तो जितनी मैंने सूजी यूज़ की थी उतनी ही मैं शक्कर डाल रही हूँ पाउडर, आप कम ज़्यादा बिल्कुल अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसको भी लगातार भूनते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे लोएस्ट फ्लेम पे, जब तक कि जो शुगर है अच्छे से इसमें मिल जुल ना जाए। आप देख सकते हैं पाउडर शुगर में थोड़ी सी गांठें और लम्स होती है, तो उसको सबको तोड़ते जाइए और एकदम फाइन मिक्सचर तैयार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आपको पता है इस रेसिपी की सबसे अच्छी खास बात क्या है, कि ये सारी चीज़ें ना एक ही पैन में बन जाती है, बहुत ज़्यादा आपको बर्तन बिल्कुल नहीं लगेंगे, कोई चाशनी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी मैंने लड्डू बनाए, आप सबके कमेंट्स आते हैं कि चाशनी हमको पता नहीं चलता है कि कैसे बनाएं और कितनी गाढ़ी करें, कभी कभी तो पतली हो जाती है तो लड्डू एकदम नरम पड़ जाता है, कभी कभी तो 2 तार की चाशनी बन जाती तो लड्डू सूखने के बाद एकदम कड़क पत्थर बन जाते हैं। तो ये सारे आपके जो कमेंट्स आते हैं ना, तो मैंने आपके लिए तोड़ निकाला है एकदम ईजी लड्डू बनाने का। तो अगर आप इस प्रोसेस से फ्रेंड्स लड्डू बनाएंगे ना, तो आपके फुल प्रूफ लड्डू परफेक्ट बनेंगे, और अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं ना, तो भी गारंटीड 100% हलवाई स्टाइल बनेंगे। तो शुगर को भी मैंने मिक्स किया करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसमें मॉइस्चर और बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के घर की मलाई। मान लीजिए आपके पास घर की मलाई नहीं है, तो आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं या फिर दूध यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कितना मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किए 2 टेबल स्पून
घर की मलाई और इसके साथ ही ये देखिए मैं डाल रही हूँ 1/4 कप दूध और इसे मिक्स करते जाएंगे लगातार। मलाई से क्या होता है ना, थोड़ा सा टेक्सचर अच्छा आपको क्रीमी मिलेगा, मॉइस्चर होगी, थोड़ी सी रिचनेस आ जाती है। पर मान लीजिए आपके पास मलाई नहीं है तो आप यहाँ पे सिर्फ दूध यूज कर सकते हैं 1/2 कप और फिर इसको लगातार और मिक्स करते जाएंगे और पकाते जाएंगे, जैसे कि सूजी पूरा जो दूध मलाई हमने डाला है उसको एब्जॉर्ब कर ले और थोड़ा सा और ड्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा दूध हमें इसमें नहीं डालना है क्योंकि ना तो हम हलवा बना रहे हैं ना तो उपमा बना रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए दूध डालने के बाद भी मैंने इसको भूना करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। सूजी में काफ़ी मॉइस्चर है लेकिन फिर भी थोड़ी ड्राई है, बस ऐसे बाइंडिंग कंसिस्टेंसी की जब आ जाए ना अपने हाथों में, देखिए देखिए फॉर्म हो रहा है। बस इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवरिंग के लिए और जो पहले हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे ना वो, आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा केसर भी डाल सकते हैं और इसे भी मिक्स करेंगे 1 और मिनट के लिए। तो बस इसको बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे परात में और थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर लेंगे ताकि हल्का सा ठंडा हो जाए। पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है वरना आप इसके लड्डू नहीं बना पाएंगे, हल्का सा ठंडा करना है कि थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और बस अब इसके लड्डू बांधते जाएंगे नॉर्मली जैसे आप लड्डू बनाते हैं। ये देखिए आप एक हाथ से बना सकते हैं, आप चाहें तो 2 हाथों से बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो, जैसे आपको प्रैक्टिस हो। तो फ्रेंड्स ये सबसे आसान तरीका था सूजी कोकोनट लड्डू बनाने का जो मैंने आपके सामने बनाया। और पहले भी मैंने काफ़ी सारी मिठाइयाँ बनाई है, लड्डू बनाई है, आप इस त्यौहार में वो सारे वीडियोस चेक करके मिठाई बना सकते हैं घर पे, उसका जो रेफरेंस है उसका जो लिंक है मैं लास्ट में एंड स्क्रीन्स में डाल दूंगी, चेक करना मत भूलिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये देखिए सारे लड्डूस मैंने बना लिए और इसको प्लेटअप कर देंगे। तो बस इसी तरह से सारे लड्डू बनाते जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया, बस मुझे इसी कलर के लड्डू चाहिए इसलिए मैंने उसको इस कलर की भुना था और ऊपर से ड्राई फ्रूट जो दिख रहे हैं ना उसका तो क्या कहना। आप चाहें तो इसको ऐसे पेपर कप्स में भी डाल के रख सकते हैं, ये मार्केट में ईजिली मिल जाते हैं और फिर इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये कोई भी एयरटाइट कंटेनर में अच्छे रहते हैं 3 से 4 दिनों तक के रूम टेम्परेचर पे, और अगर फ्रिज में आप रखेंगे ना तो 1 महीने तक के भी इसको खा सकते हैं अगर बच जाए तो। लग रहे ना बहुत ज़्यादा सुंदर। अच्छा यहाँ पे मैंने मिठाई बॉक्स भी लाया आप सबको दिखाने के लिए, और सबसे पहले मैंने भोग लगाया श्री गणपति जी को। ऐसे कैविटी वाले बॉक्स भी मिलते हैं मिठाई बॉक्स, इसमें डाल के आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, उनको पता ही नहीं लगेगा कि आपने घर पे बनाया है कि बाहर से लाया है। तो फ्रेंड्स मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज ये भोग बनाने में श्री गणपति जी के लिए। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और मेल्ट इन द माउथ। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। गणपति बप्पा मोरिया।